उस गुलाबी पर्ची में लिखा था कि टॉर्च में पैसे रख देना। हाय राम, मेहनत की कमाई मीना तुझे रास ना आए। जासूसी किताबें ज्यादा ही पढ़ती हैं। घर के बाहर रात को चबूतरे पे ये टॉर्च में पीछे रखने की ये सब करने की क्या जरूरत थी? हनुमान जी, चीचड़ को ना असली मजा चखाना आप। हनुमान जी के आने का इंतजार थोड़ी करूंगी, आज उससे सबक नहीं सिखाऊंगी। चुप जाती हूँ, आज उसे रंगे हाथ ही पकड़ती हूँ मैं। आज ये सही जगह है। ये जेठानी जी कहाँ चली गई? कर लिया मैंने, हाँ आ गई ना असलियत सामने, कर लिया ना मैंने तुम्हें आमने सामने। अरे कोई अपनी जिठानी के साथ ऐसा करता है? अरे चुप करो तुम, कभी 5,000 कभी 15,000, अरे कितने पीसे मांगो, कहाँ से लाओ? तुम्हारे चक्कर में मुझे जिठानी से हाथ छोड़ी है, ये बोल रात हो रही है। जिठानी जी, पहले तो आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैंने आपसे कभी कोई पैसे नहीं मांगे और ना ही मैं वो ब्लैकमेलर हूँ जो आप मुझे समझ रही हो। गऊ जैसी शक्ल लग रही है, पूछ लगी है ना, जो कुछ भी मान लूंगी। जेठानी जी, मैं मानती हूँ पहले शुरुआत की 2 गुलाबी चिट्ठी मैंने ही लिखी थी। हनी जी, लेकिन उस दिन से लेकर आज तक मैंने कोई चिट्ठी नहीं लिखी है आपको, ना ही मैंने आपसे कोई पैसे मांगे हैं। अब किन पैसों की बात कर रही है मुझसे? मांग की है, ये देखो ये टॉर्च, अभी बताती हूँ। कोई पैसे नहीं है, दिखाती हूँ। मिल गए आपको पैसे? हो गए तसल्ली? मैं तब से कह रही हूँ आपसे कि मैंने आपसे पैसे नहीं मांगे, आप मेरी बात पर विश्वास क्यों नहीं कर रही हैं?
हैं? और पैसे कहाँ गए? जेठानी जी, मैं आपको तब से यही समझाने की कोशिश कर रही थी कि मैंने आपसे पैसे नहीं मांगे, लेकिन आप है कि सुनने को तैयार ही नहीं थी। मेरा पार्लर आपने बंद करवाया ना? एलपी ने मुझे सब कुछ बता दिया। एलपी? ना ना ना, तुम्हारी बुद्धि बड़ी खर्च हुई थी तुम्हारा ये पार्लर बंद करवाने के चक्कर में। इतनी आसानी से तो ना खोलने दूंगी, चाहे कुछ हो जाए। आपने सरासर नहीं सोचा खुद को कितनी तकलीफ हुई, मुझे कितनी तकलीफ हुई। आप पता है जेठानी जी, ये सब जानकर मुझे आप पर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि तब मैं आपको सबक सिखाना चाहती थी। और जेठानी जी, मैं परी की सौगंध खा के कहती हूँ, मैंने आपसे कभी भी कोई पैसे नहीं मांगे। बल्कि जब मोहित जेल से छूट कर घर वापस लौटे, तब तो मैंने आपको कभी भी कोई गुलाबी पर्ची तक नहीं लिखी। यहाँ तक कि मैंने वो सारी गुलाबी पर्ची फेंक दी। मैंने खुद मंदिर में जाकर उसे चढ़ाया है। और मैंने ये भी सोच लिया कि जो हुआ सो हुआ, मैं ये बात कभी भी किसी को नहीं बताऊंगी। आप है कि उल्टा। इसका मतलब जो तुम मुझे वो गुलाबी पर्चियों में राज वाली बात लिखती थी, वो यही थी कि मैंने तुम्हारा पार्लर बंद करा है, वही ना? हाँ, चलो अच्छा है, कम से कम इसे अच्छा बदलने वाली बात तो ना पता। और तब वो 5,000 रुपये और अंगूठी तुमने ना ली? 5,000? जेठानी जी, कौन से 5,000 और कौन से अंगूठी के बारे में बात कर रही हैं? अरे, अब समझ आया, हम दो बिल्लियों की लड़ाई में कोई तीसरा बंदर ही आम खा रहा है। अब मैं क्या करूँगी? जेठानी जी, शायद ये राज की बात उस तीसरे को भी पता हो। मैं भी जानना चाहूंगी कि आखिर ये ब्लैकमेलर है कौन, और इसलिए तो मैं आपको पीछा करते करते यहाँ तक आई थी ताकि मैं उस तीसरे इंसान को पकड़ सकूं। लेकिन हमारी नोकझोंक की वजह से वो यहाँ से भाग गया। मैं क्या करूंगी? तुम्हें पता है उस टॉर्च में 15,000 रुपए थे। मैंने इनके बैंक से पैसे निकाले हैं। इन्हें पता चल गया तुम्हारी तो जान ले लेंगे ये। आराम, अब मैं क्या करूंगी? अब कैसे पता लगाऊंगी कि वो कौन है? अब जेठानी जी, आप परेशान मत होइए। जेठानी जी, रोइए मत, और ना ही आपको कोई परेशान होने की जरूरत है। जेठानी जी, देखिए, जिस राज को लेकर वो ब्लैकमेलर आपको ब्लैकमेल कर रहा था, वो राज तो मैंने आपको बता ही दिया। और जब कोई राज ही नहीं रहेगा, तो वो किस मुद्दे पर आपको ब्लैकमेल करेगा? और तब जेठानी जी, आपको उसे एक फूटी कौड़ी भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, कोई जरूरत नहीं है। वैसे जेठानी जी, कोई और राज तो नहीं है ना जिसको लेकर वो आपको ब्लैकमेल कर रहा है? नहीं, और कोई राज नहीं है, यही राज था। मैं तो बिल्कुल सीधी सादी हूँ ना। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस YouTube पेज को।